नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश में गिरती जीडीपी और बैंकों के सिविलियन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री को ये पता नहीं है कि 1,86,000 करोड़ आरबीआई से सरकार निकाल कर ले रही है, उसका क्या करना है। स्थिति ये है कि जो बांग्लादेश की करेंसी है, भारत उससे भी नीचे आ गया है। आज पूरे देश में मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्था चौपट है। यहाँ के भाजपा नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले देश की चिंता करें। रमन जी और विक्रम उसेंडी भाजपा अध्यक्ष, अब बयान दें कि इतनी गिरावट क्यों आई है। वित्त मंत्री को ये पता नहीं कि 1,86,000 करोड़ जो आरबीआई से सरकार निकाल के ले रही है, उसको क्या करना है। स्थिति ये है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है, उससे भी नीचे आ गया है। आज पूरे देश में मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्था चौपट है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, आप पहले देश की चिंता करें। रमन सिंह जी और विक्रम उसेंडी जी अब बयान देख कि इतना गिरावट क्यों आया है। खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल का यहां पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच हम जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देवतीकर्मा प्रचंड वोटों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट हैं, उसके बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन ये है कि सरकार के किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच में हम जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है देवतीकर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। खबर रायपुर से, जहां पर तीजा पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जनता को अखबारों के माध्यम से चिट्ठी लिखकर बधाई दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली है और कहा है कि रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, लेकिन प्रदेश के 30 त्योहारों के बारे में एक बार भी कोई पत्र नहीं लिखा है। और अब जब नई सरकार छत्तीसगढ़िया संस्कृति परंपरा 30 त्योहार में सिर्फ छुट्टी ही नहीं दे रही, बल्कि सक्रिय भागीदारी भी निभा रही है, जिसे रमन सिंह ने 15 साल में नकारने की कोशिश की। देर रात आए दुरुस्त आए, रमन जी को तीजा पर्व की याद आई, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ा है और ये 15 साल में उसे नकारने की कोशिश की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्हें तीजा की याद आई। रमन सिंह जी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वन मंत्री मोहम्मद अकबर को 5,791 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा है। सीएम निवास कार्यालय में मुलाकात करके प्रतीकात्मक वन रोपण निधि के अंतर्गत भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित चेक सौंपा गया। मंत्री ने कहा है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 1,086 करोड़ 91 लाख रुपए, कैशमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए 24 करोड़ 49 लाख और एकीकृत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के लिए 302 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि शामिल है। जेएससीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी की ज्योति पर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट और एफआईआर के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। अब खबर रायपुर से है, जहां पर अजीत जोगी के ज्योति के मामले में कांग्रेस ने अजीत जोगी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो कि कांग्रेस नूरा कुश्ती लड़ रही हैं। साथ ही कहा है कि इस मामले में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता संत कुमार नेताम ने की है और बीजेपी सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया, वहीं कांग्रेस ने जोगी के बयान पर आपत्ति जताई है। पूरे मामले में आप देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता और न्यायालय। योगी जी के जाति के मामले में जितनी भी कार्यवाही हुई है,
भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हुई। और अब आपको खबर बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर उपचुनाव से पहले नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी जो कुआकोंडा थाना क्षेत्र के छोटे गोडरा पंचायत का सरपंच था। लखमाराम मंडावी की देर रात नक्सलियों ने धारदार हथियार से परिवार के सामने हत्या कर दी। नक्सली वारदात के बाद घटनास्थल पर टंगिया भी छोड़कर चले गए। कुआकोंडा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर अब नक्सलियों ने सरपंच की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि चुनाव के ठीक पहले नक्सलियों ने जिस तरीके से दंतेवाड़ा में सरपंच की हत्या की है वो गंभीर मामला है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से 23 सितंबर को जब चुनाव है और इस तरह की घटनाएं लगातार हैं, चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य शासन की महती जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर में और ठीक चुनाव के समय में इस तरह का जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, आखिर वो किस बात का संकेत कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक डर और भय का माहौल वहां पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना इलाके में पुलिस ने फर्जी नक्सली बनकर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों ने बीते 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज नहीं फहराने की धमकी दी थी। उस घटना पर एक महिला ने पति को सबक सिखाने को लेकर ये दशना की पूरी साजिश रची थी। बीते 24 जुलाई की रात लालबाग थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कविराज टोला गांव में एक कार के भीतर नक्सली पंपलेट और नक्सली सामग्रियां रखी गई हैं। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई एक विशेष टीम को जानकारी मिली कि पवन ज्ञानचंदानी का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ पेंड्री अटल आवास में रह रही है। इस बीच पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि पवन ज्ञानचंदानी की पत्नी का पुरुष मित्र है, जो 3 मामलों में पुलिस को पहले सूचना दिया था। क्योंकि पवन ज्ञानचंदानी की कार में जो पंपलेट्स और वायर मिले थे, कहीं ऐसा इसका कोई कनेक्शन तो नहीं इस आधार पर जो है लगातार ये नक्सल सेल और थाना प्रभारी लालबाग इस पर काम करते रहे। और बाद में जो कंक्लूड हुआ उसके अनुसार पवन ज्ञानचंदानी की एक महिला मित्र है थाना डोंगर गांव के अर्जुनी के पास में, और उससे मिलने जाते थे। उसका पारिवारिक जीवन शायद कुछ सामान्य सा नहीं था, और इस वजह से उसने एक प्लान किया कि उसके घर वाले डर जाएं, यह क्षेत्र में दहशत हो जाए कि यहाँ भी माओवादियों की दस्तक हो गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अनुसूचित क्षेत्रों में जनसुनवाई करने पहुंची। जनसुनवाई के दौरान राज्यपाल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने जन योजना के लाभ की जानकारी राज्यपाल को दी और इस दौरान उनके साथ स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के निरीक्षण के कारण अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच गहमागहमी का माहौल देखा गया। मौके पर मंत्री ने कहा कि डॉक्टर और कुछ दलाल कर्मचारी कमीशन के चक्कर में मरीजों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पतालों और निजी सोनोग्राफी मशीनों पर भेजते हैं। एक मामला भी सामने आया था, हमने ऐसे दलाल कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी और जुर्माना भी लगाया था। अभी व्यवस्थाएं पुरानी हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। वहीं लगातार शिकायत आ रही है कि डॉक्टर समय पर अस्पताल में नहीं मिलते हैं और अब उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। बहुत दिनों से कई जगह डॉक्टर साहब पदस्थ रहते हैं और साथ ही साथ ये भी बात आती है कि व्यवस्था में कमी है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है कि जो बहुत साल से हैं वो अच्छे भी हैं और व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तब वो बात करनी पड़ती है कि कुछ परिवर्तन भी हो। एक ये भी बात आता है कि जो लोग जिला मुख्यालय में हैं या बड़े शहरों में हैं वो सालों से हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो हतोत्साहित होते हैं कि हमको ये मौका नहीं मिलता। खबर रायपुर से, जहां पर नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी शर्म पर है। तासा मामला राम की कंपनी को बिना किसी प्रस्ताव के 33 रुपए किराए में गाड़ी देने का है। ताजा इसका विरोध करते हुए महापौर कार्यालय का घेराव कर मामले में समीक्षा की मांग की गई है।
तो वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर ने राम की कंपनी और निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि 30 रुपए में आज कहीं रिक्शा किराए में नहीं मिलता, लेकिन यहां निगम अधिकारी 600 टाटा एक्सपो गाड़ी को 33 रुपए में राम की कंपनी को दे रहे हैं। कंपनी को दिए जाने का कोई प्रस्ताव आयुक्त महोदय ने लिया है, इसको अभी मेरिन काउंसिल में चर्चा करके बगैर अनुमति या बगैर मंशी के कैसे ये नीतिगत निर्णय हुए हैं इसके लिए हम बातचीत भी की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर रायपुर से, जहां पर नगर पालिका निगम के MIC बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि मोर जमीन और मोर मकान मोर चुनहरी के तहत हमने अभी प्रस्ताव दिया था जिसमें हमने चेंज किया है, अब आप किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पर बना है उसमें सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो उसको निर्धारित रकम दी जाएगी। कच्चे मकान है उनको तोड़कर अगर वो नया बनाना चाहता है तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हम नगर निगम की ओर से उसे देते थे। अब हमने उसमें थोड़ा चेंज करते हुए जिसका अगर किसी का फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो उसको सेकंड फ्लोर बनाने के लिए हम उतनी ही राशि देंगे और साथ में उन गरीबों का नक्शा भी पास करेंगे। मुंगेली में जिला भाजपा संगठन चुनाव कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक बजाज ने कहा है कि भाजपा 18 करोड़ सदस्य के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। वहीं सांसद अरुण साव ने कहा है कि भाजपा ने अपने राष्ट्रवादी सोच और कार्यों के दम पर जनमानस में गहरी छाप छोड़ी है जिसके कारण लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। साथ ही कार्यशाला में मौजूद विधायक पुनुलाल मोहले ने भी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। बलरामपुर जिले में लगातार फैल रही बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट पर है। सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में SDM RS लाल ने राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। और यहाँ करीब करीब 150 लोगों से पर भीड़ थी, वर्कलोड था अदालत डॉक्टर आलोक मिश्रा के ऊपर, वो अपना कर रहे थे और बाकी उपस्थिति पंजी लेकर सब जगह जिनको जो हमारे स्टाफ है ना, वो ये क्रिटिकल सीजन में अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो प्रशासन उसको तनिक भी मरम्मत नहीं अपनाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मैं तत्काल कलेक्टर साहब से बात भी किया। वार्डफ नगर क्षेत्र में कथित दिनों उल्टी दस्त समेत अन्य बीमारियों से हुई मौतों को प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। जिले के कलेक्टर रंजीव कुमार झा, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला CEO प्रभावित गांव का निरीक्षण उन्होंने किया और स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पांच गांव में कैंप लगवाया गया है और डोर टू डोर सर्वे करवा करके जो पेयजल के स्ट्रोक है उसको डिसइंफेक्शन करवाया गया है और पूरी तैयारी उसको की गई है। दूषित जल पीने से 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो पूरे इलाके में कार्रवाई की जा रही है। सरसुआ थाना क्षेत्र के सड्डू तारापुंगी गांव में देर रात नशे की हालत में एक पिता ने अपने ही बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया और खुद को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं जबकि आरोपी पिता शंकर निषाद की इलाज के दौरान अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में मौत हो गई। आरोपी पिता शंकर निषाद गांव के ही एक होटल में काम करता था, उसकी पत्नी ललिता निषाद तीजा पोला त्यौहार मनाने मायके गई हुई थी। बहुत दर्दनाक और बहुत शर्मनाक है। समाज में, गांव में
इस प्रकार की घटना बहुत निंदनीय है। ये घटना से गांव स्तब्ध है और लगता है कोरिया के सोनहत में 8 साल की मासूम की कुएं में पानी भरते समय पैर फिसलने से मौत हो गई। सूचना के बाद सोनहत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की माने तो लड़की बारिश का समय होने के कारण कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था जिसमें डूबकर मासूम बच्ची की मौत हो गई। और अब खबर कोरबा से आपको बता दें जहां पर एक होटल मनाचार पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मृतक अचानक लापता हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया। किशोरी के बयान के आधार पर एक युवक के खिलाफ अनाचार का केस दर्ज किया गया था। वहीं किशोरी अपने पिता के साथ बाल संरक्षण आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुई थी लेकिन देर शाम होने के चलते पास के ही होटल में रुक गई जहां मृतका ने मौत को गले लगा लिया। और कल से सेमिनार था कलेक्ट्रेट में, वहाँ आई हुई थी और बस नहीं मिलने के कारण। बड़ौदा बाजार जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 22 लोग घायल हो गए जिनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना में लगभग 26 मरीज अस्पताल में लाए गए थे जिनमें से 9 मरीज फ्रैक्चर के केस थे जिसमें 5 सीरियस है जिनको सेटल होने के बाद अभी तो हमारे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और खबर आपको बताते रायपुर से है जहां पर हिस्ट्री शीटर यासीन को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ईरानी डेरा के लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान यासीन मौके से फरार हो गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इधर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईरानी डेरा के 50 महिलाओं को हिरासत में लिया है। राजनांदगांव के चिल्हाटी थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ कसा में खुले में मिलने वाली जड़ी बूटी खाने से एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि पत्नी और बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार में 2 बेटा और 2 बेटी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। जिसमें एक पूरे परिवार है और वो कल यहाँ पर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में इलाज के लिए भर्ती हुए थे और शायद ऐसा वो था कि कुछ जड़ी बूटी खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबागढ़ चौकी से उनको रेफर किया गया था। इलाज के दौरान कल ही जो है ना उनकी कौशल कोरे की मृत्यु हो गई। खबर आपको उतारे बलाईगढ़ से जहां पर जमीन विवाद के चलते 50 से 60 लोगों ने हमला किया है। मामला ग्राम पंचायत सुती उरकुली का है जहां सोनवानी परिवार में जमीन के विवाद को लेकर आपसी विवाद हो गया और विगत दिनों पुलिस की सक्रियता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब लखुआ ग्रस्त हो गए हाँ तब जब जमीन लब्बे के इलाज पानी करवा था दादा कौन है लड़ाई कर रही कौन मारे कह जा रही से वन 14-15 आदमी आए थे 50-60 जन आदमी आए जिसमें हमारे वो दरवाजा फरवाजा गाड़ी मोटर पूरा पिछाड़ गए। हम घर के अंदर में घुस गए तो निकले थे जहाँ पूरा खत्म हो जाए थे। जमीन को ये दूसरे लोगों को बिक्री कर रहा है इस बात को लेके झगड़ा है। रिपोर्ट दोनों पक्ष का है दोनों की रिपोर्ट से कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मावली भाटा के ग्रामीण तोकपाल ब्लॉक के एसडीएम की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल ये मामला मावली भाटा में बिछने वाली स्लरी पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। यहां पर ग्रामीणों ने स्लरी पाइपलाइन का विरोध किया है। ग्रामीणों के मन में स्लरी पाइपलाइन को लेकर विभिन्न तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में स्लरी पाइपलाइन लगाने के बाद ग्रामीणों को खेती करने और पानी के लिए बोर करवाने में परेशानी आ सकती है। साथ ही कुछ ग्रामीणों के घर स्लरी पाइपलाइन की जद में आ रहा है जिससे उन ग्रामीणों को उनके घर टूटने का डर बना हुआ है।
करपट्टा के लिए गए थे निस्तार प्रमाण पत्र मांगने, निस्तार प्रमाण पत्र मांगे तो या मैं यहाँ से नहीं दूंगी, चल भगो बोल के भगा दी। उसके बाद फिर गए 27 तारीख को पंचायत विभाजन के लिए, पंचायत मावलीवाटा से पतरली उड़वा अलग करने। उस दिन भी वही पाइप सरली पाइपलाइन का बात निकला, तो मैडम बोल रहे कि जमीन क्यों नहीं दिए सरली पाइपलाइन के लिए, पूरा जनता बोल रहा है हम पाइपलाइन के लिए जमीन नहीं देंगे। मावलीवाटा पंचायत से हमारे साथ मेरे क्षेत्र के ग्रामीण आए हुए हैं और उन लोगों का मांग ये है कि वहाँ की जो SDM मैडम है उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो मैडम का कहना है। खोल गरियाबंद से है जहाँ पर एडमिशन के नाम पर घूस लेने का मामला सामने आया है। मामला देवभोग ITI का है। संस्था के 8 छात्रों ने प्रिंसिपल पर घूस लेकर एडमिशन देने का आरोप लगाया है। 10% है और शायद मेरा प्रेसिट में नाम आ गया था, लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए वहाँ पहुँचा तो प्रिंसिपल के द्वारा मतलब पूछा गया कि आपको 1150 रुपये देना है, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। बेमेतरा जिले के एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई है। पंप के कर्मचारियों ने जब चोरी को रोकने की कोशिश की, झड़प के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने पंप के कर्मचारी को गोली मार दी। गोली लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वो लोग आए, बस खटखटाए कांच को और सीधा कांच तोड़ दिया, उसके बाद एक अंदर घुस गए, फिर मारपीट, हम एक को पकड़ लिया था मैं और फिर मारपीट चालू हो गया, फिर उतने में गोली चला दिया सर। वो लोग कुछ भी नहीं किया, केवल हम वो लोग कांच तोड़ा था, हम लोग मारपीट चालू कर दिया सर तुरंत, और बंदूक दिखाया, फिर थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी मारपीट चालू था और गोली चलाया, फिर घबरा गया, फिर पकड़े रहे उसको, छोड़ दिया, फिर भाग गया। किसको लगा गोली? गोली ललित रजक को। जो तमाम पूरे शहरी जितने जिले हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है और तमाम सब जगह पर जो है नाकेबंदी की गई है और जो जितने फुटेज है उन सबको खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। धोनीनगर के बाजार चौक में इन दोनों गंदगी का अंबार पसरा है, जो लगातार गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें, टोंडी के साप्ताहिक बाजार चौक में नगर पंचायत द्वारा पूरे नगर का कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर दिन भर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है और मवेशी इस गंदगी को इधर उधर फैला रहे हैं। गंदगी फैलाने के चलते आसपास बदबू फैल रही है और वातावरण दूषित हो रहा है। और खबर कांकेर से है, जहां पर राजा मुंडा गांव में शासकीय स्कूल को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से बच्चे भी स्कूल आना छोड़ रहे हैं और तो और स्कूल भवन भी जर्जर है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल में शिक्षकों ने 15 अगस्त को झंडा फहराया नहीं, ग्रामीणों ने खुद स्कूल में जाकर झंडा फहराया। स्कूल में परेशानी है, गुरुजी लोग नहीं आते हैं, हेडमास्टर भी नहीं आता है। जो सलाम सर है वो आता है बीच बीच में। महीने में कितने बार आता है सर? महीने में वो कम से कम 3-4 बार या 5 बार ऐसे आता है बस। और ठाकुर सर? वो लमोदर सिंह ठाकुर नहीं आता है। स्कूल का परेशानी, क्या दिक्कत है स्कूल में? पेंटिंग, रंग पेंटिंग नहीं लगता है। कब से नहीं लगता है? बहुत दिन हो गया, 2-3 साल से ज्यादा हो, जब से स्कूल बना है तब से नहीं होता है। तब से नहीं होता है? नहीं होता। और क्या परेशानी है स्कूल में? हर चरे उरे घुसते अंदर है। वो किसान रूम भी अभी तक नहीं बन रहा है और वहाँ से ईटा पूरा पड़ा हुआ, अभी तक ईटा भी खत्म हो गया, गल गया, अभी गल गया पूरा गल गया, अभी तक बनाते नहीं। बच्चे का क्या दिक्कत है? बच्चे का स्कूल में नहीं आते हैं, खाना वाना का बनाने का भी दिक्कत है। मान लो उनका दिक्कत है स्कूल का। कब से दिक्कत है? बहुत दिन से, 1 महीना हो रहा है नहीं आते गुरुजी। गुरुजी नहीं आते? नहीं आते। नहीं आने से क्या परेशानी हो रहा है? स्कूल नहीं लगते हैं। स्कूल नहीं लगता? बच्चे लोग? कवर्धा जिले में आज भी कई ऐसे गाँव है जहाँ के बच्चों को स्कूल तक पहुँचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला पंडरिया ब्लॉक के दामापुर स्कूल का है, जहां पर छात्रों को हाफ नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माना तो नदी पर पुल तो है, लेकिन पुल के सहारे आने पर विद्यार्थियों को 5 से 6 किलोमीटर तक का ज्यादा सफर करना पड़ता है। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हैं।
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।